नाम को नहीं बताया। अच्छा आपको क्या लगता है कि इसमें जो सोनी लड़की है सच में प्यार करती थी उससे? अब वही ना जानेंगे, अब वही जानेंगे प्यार करती थी नहीं करता। अच्छा आपको किस पे शक जा रहा है कि कौन मारा होगा मेरे भाई को? सर भाई उनको बुला के ले गए तो उनके भी ना शक है। अच्छा माता जी आपका बोल नहीं पा रही? मम्मी नहीं बोलते, मम्मी को कोई ठीक है सर, बचेगी कि नहीं बचेगी? अच्छा भाई हमको गाता था। अच्छा भाई आपके गाते थे और वो राइटर थी मतलब दिखती थी, वो नहीं गाना गाती थी? तो पता नहीं, जब हम भाई पहला सुमारी को गाना चला हुआ था और उसके बाद जिस दिन भाई को हत्या हुआ ना उस दिन भी चला हुआ था कुछ दिन, उसके बाद बंद हो गया। बाद में ये कैसे पता चला कि वो इसके करते थे प्यार करते थे? ये गाना जब डाले ना तब तब मालूम, जब हम तो सोचे जो गाना ना दोनों निकाल रहे, गाना पहला सुमारी को सावन में निकालवे की पहला भी गाना निकलाता है। उम्मीद बहुत काफी होता है, सबका एक सपना होता है, सबका एक लक्ष्य होता है, और लक्ष्य को हत्या करने में किसका मतलब संदेश देता है? रोइए मत, रोइए मत, समझ सकता हूँ। आप देख रहे हैं थोड़ा सा करीब से उनको दिखाइएगा जिस तरह से आप, रोइए मत दीदी, रोइए मत आप, ठीक है ना? मैं पंकज को दोबारा ला नहीं सकता हूँ, कोई आएगा दोबारा ला नहीं सकता है, पंकज जी धरती पे से चला गया है। कोई एक इंसाफ दिला सकता है, आवाज उठा सकता है आप? मैं पंकज के आंगन में हूँ, जिस आंगन में पंकज पैदा हुआ था इस आंगन में कभी सहनाइयाँ बजी थी जब पंकज, लेकिन आज पंकज के आंगन में मातम हो गया है। पंकज है नहीं इस दुनिया में, उसकी माँ को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि आप देख सकते हैं करकट है, घर भी जिस तरह से पंकज टूटा हुआ था, पंकज टूट गया उस तरह से इसका घर भी टूट गया, आज तो पूरा संसार ही लूट गया। आप देख सकते हैं माता जी इनको, हालांकि होशो हवास में नहीं है, माता जी थोड़ा सा भी नहीं बोल पाएंगे, माता जी सोई हुई हैं, इनकी बोल नहीं पाएंगी। कारण क्या है, कितने दिनों से आप क्या हैं यहाँ, क्या हैं आप? सर मैं तो कल ही आई हूँ, मुझे कुछ। अच्छा आप आई हैं तो मतलब होश नहीं था इनको? नहीं, खाना वाना कुछ नहीं खा रहे? नहीं खा रही। हाँ आप आई तो जगी थी कि नहीं? नहीं तब तो जग रही थी। अच्छा जगती हैं तो क्या बोलती हैं? बेटा बेटा करती हैं, फिर दाँती यार लग जाता है तो बेटा करती हैं बस। अब देख रहे हैं जिस तरह से माता जी हैं और बोल भी नहीं पाएंगी। चार बहनों का एक भाई था पंकज, इधर से अगर देखा जाए तो सभी बहनें यहाँ पे हैं, बहुत तकलीफ है इस बात का। इनकी बहन कौन है? ये सभी लोग हैं, एक बेहोश है, आप देख सकते हैं उनकी बहन और बेहोश है, एक छोटी है। आप पंकज की बहन हैं जी? पंकज आपसे बड़े थे कि छोटे थे? बड़े थे। आपसे बड़े थे? पंकज कितना पढ़े लिखे थे? पढ़े लिखे हम नहीं जानते, पढ़ते हैं आठवां तक पढ़े। अच्छा अच्छा आप पढ़ी हैं कि नहीं? सर हम दसवां में, अभी दसवीं में। पंकज को आप जानती थी? भाई बहन का जो प्यार होता है, भाई अपने बहन से तो बताया होगा कुछ कि नहीं बताते थे? सर कोई भी भाई बात करते तो बहन को बताते हैं कि नहीं होता है, जैसे कभी मैं भी अपने बहन से नहीं बताया। अच्छा ये सब नहीं बताया, जैसे एक होता है ना कि बहन से कर लिया कि नहीं दीदी हमारी जानती है, चाहे हमारी छोटी बहन हम इस तरह से कुछ जानती है? नहीं इस तरह से कभी नहीं बताए थे कि मतलब इस तरह से हुआ था? नाम को नहीं बताया। अच्छा आपको क्या लगता है कि इसमें जो सोनी लड़की है सच में प्यार करती थी उससे? अब वही ना जानेंगे, अब वही ना जानेंगे प्यार करती थी कि नहीं करता। अच्छा आपको किस पे शक जा रहा है कि कौन मारा होगा मेरे भाई को? सर भाई उनको बुला के ले गए तो उनके भी ना शक है। अच्छा माता जी आपका बोल नहीं पा रही? मम्मी नहीं बोलते, मम्मी को कोई ठीक है सर, बचेगी कि नहीं बचेगी? अच्छा अब ये अवस्था है कि इनकी मम्मी बचेंगी कि नहीं बचेंगी? 11 दिन हो गया खाना नहीं खाई अभी तक, न पानी। 11 दिन हो गया जी सर। आप लोग चार बहन हैं जी? चार बहन एक भाई। आप हैं और तीनों लोग हैं? सबसे छोटी। सबसे छोटी जी। तीनों लोग का शादी हो गया जी? अब पंकज जी कह लेते हैं आपसे बस बड़े थे, इन लोग से छोटे थे? नहीं दो बहन से बड़े, दो बहन से छोटे। अच्छा दो बहनों से बड़े थे और दो बहनों से छोटे थे? आपका शादी नहीं हुआ था, पंकज का शादी नहीं हुआ था? नहीं बहन भाई का नहीं हुआ। आप ही लोगों का? आप देख सकते हैं ये भी है इनकी बहन, जो आप देख सकते हैं इस तरह से है, बहुत काफी समस्याएं हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों बहनें हैं। पंकज जी कैसे थे? पंकज जी कैसे? बहुत अच्छा लड़का। अच्छा आप उनसे बड़ी हैं कि छोटी हैं? उनसे भाई से बड़े। आप उनसे बड़ी थी?
अच्छा बड़ी थी तो ऐसा लगता था जैसे होता है ना कि बड़ा एक छोटा से लगाव बड़ा होता है। मैं भी अपनी बहन से बड़ा प्यार करता हूँ, कोई गलत करता हूँ तो ऐसा ही करता हूँ, अपनी बहन को मैं बताता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मतलब आपसे कुछ शेयर किए थे? नहीं भाई, कुछ नहीं बताया। हाँ अच्छा, क्या करते थे पंकज जी, करते क्या थे? पीओपी के काम। पीओपी का काम करते? अरे सुना कि गाना भी गाते थे? हाँ तो निकाले थे ना पहला सुमारी के भाई गाना। अच्छा, तब जाके हमको भी मालूम पड़ा जे की कहे जे बोल सोनी कुमारिया भाई, सोनी लिख के देती थी गाना और भाई हमको गाता था। अच्छा, भाई आपके गाते थे और वो राइटर थी मतलब लिखती थी, वो नहीं गाना गाती थी? तो पता नहीं, जब हम भाई पहला सुमारी को गाना चला हुआ था और उसके बाद जिस दिन भाई को हत्या हुआ ना उस दिन भी चला हुआ था कुछ दिन, उसके बाद बंद हो गया। बाद में ये कैसे पता चला कि वो इसके करते थे, प्यार करते थे? ये गाना जब डाले ना तब तब मालूम। जब हम तो सोचे जो गाना ना दोनों निकाल रहे, गाना पहला सुमारी को सावन में निकालवे की पहला भी गाना निकलाता है। उम्मीद बहुत काफ़ी होता है, सबका एक सपना होता है, सबका एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य को पंकज प्राप्त करना चाहता था। मैं भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनसे मिलता हूँ, उन लड़कियों से मिलता हूँ, उन लड़कों से मिलता हूँ, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठीक है मैं लगाव रखता हूँ, हत्या कर दी जाती है। हत्या जिस दिन हुआ आपको कब पता चला? बीते के दिन भाई से हम बात हुआ था तब बोले भाई को जो सब चीज़ बात हो तो हम बोले राखी बांधे, तब बोले जे बिहान रक्षाबंधन शुक्रवार को, तब फिर हम बात तो गया तब बोले जे बहुत अच्छा है, तो बोले हाँ सब चीज़ ठीक है। फिर उसके बाद सुबह में यहाँ से कॉल गया जे भाई दुनिया में नहीं है, से वहाँ से गाड़ी तो वहाँ से हम भाई को देखे वीडियो कॉलिंग पर, हम गाड़ी पकड़ लिए, हम बाहर रहते कहाँ रहते तमिलनाडु, तमिलनाडु रहते हैं। आप देख सकते हैं तमिलनाडु से आई भाई का मौत का खबर किसी को संद कर देगा, वो तमिलनाडु रहे चाहे विदेश रहे, एक भाई था और कहीं ना कहीं इस भाई का जिस तरह से हत्या निर्मम हत्या की गई है कहीं ना कहीं हम निंदा करते हैं। आपको क्या लगता है उसकी जब हत्या हो जाती है हत्या करने में किसका मतलब संदेश जाता है? रोइए मत, समझ सकता हूँ, आप देख रहे हैं थोड़ा सा करीब से इनको दिखाइएगा, जिस तरह से आप रोइए मत दीदी, रोइए मत आप, ठीक है ना। मैं पंकज को दोबारा ला नहीं सकता हूँ, कोई आएगा दोबारा ला नहीं सकता है, पंकज जी धरती पे से चला गया है। कोई एक इंसाफ दिला सकता है, आवाज़ उठा सकता है? आपके अगल बगल वाले तो बोल ही नहीं रहे हैं, मैं अगल बगल वालों से जानना चाह अगर कि पंकज कैसा था। दुकान है सबके, वही चलते दौड़े नहीं बोले है चौक पर। अच्छा, वही चलते नहीं सब कोनो बोले कोनो, इतना दबंग है वो लोग? हाँ इतना दबंग है, सबके दुकान है गाँव के, वही चलते नहीं बोल रहे। अब भैया देख लीजिए दबंगई इस कदर है कि गाँव के लोग भी डर गए हैं, कितनी किसको क्या कहा जाए, कब मिलेगा इंसाफ पंकज को ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस बहन के आंसुओं की कीमत कैसे चुका पाएंगे हम? इस बहन के आंसू की कीमत हम कभी नहीं चुका सकते हैं। आज दोबारा इस पंकज धरती पे नहीं आएगा, कहीं ना कहीं ये निर्मम जो भी हत्याएं की गई है उस हत्यारा को फांसी भी अगर लगे तो बड़ा कम होगा, उसे इंसाफ की मिलना चाहिए। और इंसाफ की मैं यहाँ के शासन प्रशासन को घोर निंदा करता हूँ और उनसे विनम्र निवेदन भी करता हूँ कि आप जांच बैठाइए, सीबीआई जांच बैठाइए, बैठा कर दोनों को पानी का पानी और दूध का दूध कर डालिए, तब जाके होगा इंसाफ पंकज का। बहन के आंसू का कीमत ऐसे नहीं मिलेगा, जब तक पंकज का इंसाफ नहीं होगा तब तक बहन के आंसू का कीमत हम नहीं चुका पाएंगे। चलिए दोस्तों, आप देख रहे थे इनकी बहन थी, एक बहन वहाँ पे लेटी हुई है, आप देख सकते हैं दर्द से बहुत काफ़ी अगर देखा जाए तो बयां नहीं कर पाएंगे हम, उस आवाज़ से इनके आंसुओं को हम बता नहीं पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ के सरकार से विनती करता हूँ कि अगर लगता है कि दोषी उनकी जो प्यार करती थी सोनी है तो उसको दिया जाए, अगर दोषी इनके घर वाले हैं तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए कानून के नज़रों में। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ, मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। जय हिंद। एकदम करीब से माता जी को इधर थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा।
इधर आइए माता जी, इधर जाते क्या सबको जाति का मतलब है महाराज, इंसान पहले बनिए ना, यही तो गलती है आप लोगों में, जाति को हटा के इंसान बनिए। बहुत इधर आइए, इधर आ जाइए, इधर अभी बात नहीं कर रहा, इधर आइए माता जी, इधर।